नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी, आरती साड़ी, श्री बालाजी फैशन और फैशन इंडिया से एक बार फिर आपके सामने कुछ और आइटम्स लेके। सबसे पहले मैं भी अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देता हूँ और आप भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। एक्चुअल में आना ही मेरा मंडे की मंडे हो पाता है, बाकी फैक्ट्री में ही पूरा टाइम निकल जाता है। अनीता देवी जी गुड मॉर्निंग, इंदु कुमारी जी हेलो, पारुल शर्मा जी हेलो। अच्छा आप आ जाइए, पहले आप ही दिखा दीजिए। इंदु कुमारी जी मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। देखिए एक ये डिजाइन और बहुत अच्छा लगता है, ये हमने जो बनाया हुआ डिजाइन अलग स्टाइल से बनाया हुआ है। इसकी स्लीव में देखिए लटकन और ये स्लीव वाला डिजाइन बनाया हुआ, ये इधर से चलता है, बेटा थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हाँ, और ये आगे से बेल्ट घूम के आती है, ठीक है। बिल्कुल अलग स्टाइल से डिजाइन बनाया हुआ है। इंदु जी मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगी। हेलो मधु परवीन जी, हेलो अनीता देवी जी। भाई सब वॉइस स्लो है, थोड़ी सी वॉइस स्लो है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि तार जो वायर है यार याद दिला दो, मैं एक वायर और मंगा लेंगे और उसका वो जो अटैचमेंट है वो भी मंगा लेते हैं, ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं रहता। नमस्ते सनी प्रियंका जी। जी एक्चुअल में क्या है, मैं फैक्ट्री में बैठता हूँ, फैक्ट्री हमारी मंडे को ऑफ होती है तो मंडे में आ जाता हूँ और बाकी छह दिन जो है मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ। अपनी वर्किंग सातों दिन की है, छह दिन की वर्किंग नहीं है, सातों दिन की वर्किंग है। और एक चीज और मैंने जो साथ में शुरू करी है वो करी है कुछ जीन्स और शर्टें, ये तो शुरू कर ही रहा हूँ, ड्रेसेस बना रहा हूँ, बेटा आप एक्सचेंज कराओ। देखिये ड्रेसेस मैं कैसी कैसी बना रहा हूँ, पहले वो दिखाता हूँ, फिर मैं आज आपको एक अपनी नई लॉन्चिंग जो जीन्स और शर्टें मैं शुरू कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। मतलब काफी कुछ कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही दिखा पाऊंगा। एक सेकंड आप यहीं पे आ जाइए भैया, ये देखिए पूरा काम जॉर्जेट के ऊपर और इसका वो देखिए गाउन का जॉर्जेट के ऊपर घेरा अच्छा, फ्लेयर ठीक, रेंज वाइज बहुत बढ़िया पीस, क्रशिंग पे चल रहा है नीचे इस तरीके से। और प्राइस इसके यहाँ नहीं बता पाऊंगा, इसके प्राइस मुझे पता है किस आइटम के प्राइस कहाँ बताने कहाँ नहीं बताने, तो प्लीज उसके लिए मुझे मत इंसिस्ट करिएगा कि आप यहाँ पे क्यों नहीं बता रहे। सबके आंसर्स मैं देखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं इंदु जी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। एक तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने लॉन्चिंग करी है, नहीं बहुत कुछ करता जा रहा हूँ। ये देखिए जीन्स, इसमें डिजाइनिंग काफी आएगी, ये जीन्स फैब्रिक अच्छा है और ये सब साइजों में दो तीन दिन में सब कुछ, ये दो तीन दिन चार दिन लगेंगे हमें अपलोडिंग में। अभी एक भी पीस आपको ऐप पे नहीं मिलेगा, कल से ये अपलोडिंग में शुरू कर देंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये शुरू कर दिए। ये कुल 600 रूपए इंक्लूडिंग जीएसटी, कुरियर चार्जेस हमेशा सेपरेट रहेंगे, कुरियर चार्जेस 50-60 रूपए जो भी लगेंगे वो सेपरेट रहेंगे, लेकिन क्वालिटी ठीक है। इसमें कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, साइजेस भी मिल जाएंगे। अभी हमारी ऐप उस हिसाब से तैयार भी नहीं है, ये 600 रूपीज की और ये सिर्फ 500 रूपए, ये वाली 500 रूपए, फेब्रिक का डिफरेंस है 500 रूपीज ओनली, 500 रूपए की ये जीन्स। तो मैं बहुत कुछ तैयारी में लगा हुआ हूँ, बहुत कुछ तैयार करके दूंगा आपको, 500 रूपीज, 500 रूपए में जीन्स, ये कपड़ा ठीक है, वो तो खैर बेटर था ही, काफी बेटर है, फर्क है। और इसमें हमने एक पजामा भी सिला है, देखिए फैब्रिक जब होता है ना तो सब कुछ वो करा जाता है, पजामा भी ये सिला है, ये देखिए ये इस तरीके से, ये तो इसके यहाँ गांठ मारी है, तो क्या होता है बहुत लोगों को जीन्स की वजह कहते पजामा जैसा रफ टफ, आजकल ये भी काफी बच्चों को डिमांडेड है, ये देखिए ये पांच जोगर जिसे कहते हैं 525 रूपए, 525 रूपए में जोगर,
रफ टफ बच्चे पहन के घूमते रहते हैं और ये अच्छा लगता है। और मैंने शर्टे भी दिखा रहा हूँ कि शर्टे जो शुरू करी है, बाकी तो आप रेस्पॉन्स बताएंगे कैसा है, कुछ भी नहीं बता रहे। वो भी दिखाऊंगा अनुष्का जी, वो भी दिखाऊंगा जी। हिंदू जी उसका प्राइस यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ये देखिए शर्टे भी शुरू करी है जो कल से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, अपलोड कर देंगे इस तरह की शर्ट है। ये देखिए ये शर्टे भी शुरू करी है, डिजाइनिंग इसमें काफी तरह की आएगी। साइज दो तीन ही बना रहे हैं फिलहाल, 38, 40 और 42 शर्ट्स में, 38, 40 और हमारा 42। ये वाली जो है 450 रुपए, 450 की आपको एज इट इज आएगी, 450 450 रुपए की ये शर्ट। फैब्रिक सारे के सारे कॉटन में है, कॉटन पीसी कॉटन और लेनन तीनों चीजों के आएंगे, उसी हिसाब से रेंज आएगी। ऑल दो देखिए डिब्बा तो बहुत प्यारा है लेकिन डिब्बे में नहीं जाएगी ये शर्ट, क्योंकि डिब्बे में कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है और डिब्बा वहां जाके टूटना ही टूटना है, तो डिब्बे में नहीं भेजेंगे, ये भेजेंगे आपको ऐसे ही। देखिए अब ये कॉटन में प्योर कॉटन, और ये वाली जो है 525 रुपए, वो वाली आपको दिखाई 450 रुपए, 450, ये 525 रुपए प्योर कॉटन, नहीं लिनन कॉटन, हाँ 525 रुपए। और साइज सब में मिलेंगे। और एक तीसरी जो वैरायटी है वो ये रही, ये 475 रुपए, 475, 475 रुपए की शर्ट फुल स्लीव्स की। एक खोल के दिखाऊं, एक खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको अपनी और ड्रेसेस दिखाऊंगा जो मैंने बनाई हैं, साड़ियां भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। एक शर्ट खोल के भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए सब फिनिशिंग बहुत बढ़िया, और सब फैब्रिक में तो चेंज होता ही है लेकिन उसके बाद भी ये सब महंगी बिक जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आएगी शॉर्ट, 40 मतलब 40 और 38 मतलब 38, ये 40 साइज की शर्ट है और फैब्रिक बढ़िया, इस रेंज में इससे बढ़िया फैब्रिक नहीं आ सकता आपको। सिली सिलाई शर्ट जो मिल रही है ये 475 की है, 475 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, कोरियर चार्जेस अलग से लगेंगे, यानी 50 रुपए 60 रुपए ये आपको अलग से लगेंगे, 50 रुपए में कर दो तो ये आसानी रहेगी, 50 रुपए एक शर्ट के, एक जीन्स के 50 रुपए, ठीक है। तो ये कितने में हो जाएगी, 475 वाली 525 में, ठीक है। चलिए आप आ जाओ बच्चा, आप दिखा दो अपनी ड्रेस, फिर मैं दिखा रहा हूँ अपनी दूसरी ड्रेस रेडी में। चलिए ये देखिए वाइन कलर की ड्रेस, ये लहंगा स्टाइल में बनाई है, लहंगा स्टाइल है ना, है ना, ये देखो बहुत प्यारी, और आप इसको देख के खुश होंगे, वास्तव में तारीफ करेंगे कि हाँ अच्छी चीज बनाई है। सुम्मी जी वॉल्यूम कम आ रहा है उसकी बात सही है, थोड़ा सा आप भी वहां से बताते रहो, बोलते रहो। ये जो है लहंगा स्टाइल में है बेटा, लहंगा स्टाइल पैटर्न, हाँ आगे होकर थोड़ा सा घूम के दिखाइए, गोल घूमिए, फ्लेयर देखिए इसका, फ्लेयर देखिए, फ्लेयर कितना अच्छा, ये डिजाइन वाली शर्ट है। अंशिका जी मेन शर्ट का भी काम शुरू कर दिया, राधे राधे पुनीत शर्मा जी, शिखा जी साड़ियां तो है ही है, मैं ये बता रहा हूँ जेंट्स में ये शुरू कर दिया, नहीं ट्राउजर्स अभी शुरू नहीं करे, वो भी कर देंगे। साउंड थोड़ी सी कम आ रही होगी, थोड़ा सा पास में आते रहो, ठीक है। ये वाइन कलर का, इसका डिजाइन नंबर 3294, 3294 डिजाइन नंबर है, 3294 3294, आप देख के बुक कर सकते हैं बड़े आराम से। अब देखिए मैं कोशिश करूं तेज बोलने की, हालांकि गले में दर्द हो जाएगा इतना तेज बोलूंगा तो मैं। ये देखिए एक डिजाइन और मेरा नया डिजाइन, इसका डिजाइन नंबर पता है नहीं यार, नहीं है
इसका डिजाइन नंबर याद नहीं है लेकिन मिल जाए। ये फ्रिल में डाला है, उसमें डाला है, वन मिनट साड़ी में डाला है। ये किसके साइज पूछनी है शिखा जी, मैं समझ नहीं पाया इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। 3503 इसका डिजाइन नंबर है, 3503 3503 आप ऐप पे ढूंढेंगे तो 3503 के साथ मिल जाएगा। मित्रेश जी चाइनीज कॉलर में भी बना दूंगा शर्टें, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सब कुछ हो जाएगा। नहीं इसके प्राइस आप ऐप पे चेक करिए सर, ये बिल्कुल नया डिजाइन है तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। जय श्री श्याम। ये परी स्टाइल ब्लाउज है, परी स्टाइल ब्लाउज। हाँ ये परी स्टाइल, हाँ परी स्टाइल कह लो, बहुत अच्छा डिजाइन है। ये आज की डेट में इसके हम गाउन भी बना रहे हैं। ये अब ये पीछे घूम के आएगी, बेल्ट हो गई, कैसा लगा डिजाइन? कोई दो शब्द यदि आप कहना चाहें तो मैं कर देनी चाहिए बच्चों की तारीफ, काफी मेहनत कर रहा हूं। चलिए इसके प्राइस में बता देता हूं आपको, 3250 रुपए, 3250 3250 रुपए का ये पीस है, पेमेंट पे ही जाएगा। और इसके कोरियर चार्जेस कम से कम मैं नहीं समझता 250 से 300 रुपए आई थिंक इसके चार्जेस लगेंगे, कोरियर से मंगवाते हैं और पेमेंट पे ही जाएगा 3250। भैया कह रहे हैं इसमें 300 रुपए ही लगेंगे कोरियर चार्जेस, तो 250 से 300 रुपए जो भी होगा वो एग्जैक्ट आपको चेक करके बता देंगे। 3250 रुपए तो बहुत रीजनेबल आइटम्स हैं और बहुत तरह की आइटम्स हैं मेरे पास। और ये नहीं कल ये लेके आऊ, ये देखिए जैसे ये साड़ी भी बहुत रीजनेबल प्राइस में, जिमी चू कपड़ा, पूरे में रेशम का काम और सर्वोस्की बॉर्डर पे सर्वोस्की किया हुआ। अब इसको साड़ी को खोल के दिखाता हूँ, बहुत प्यारी साड़ी रेशम वर्क के साथ। बताइए सर साड़ी कैसी लगी? थैंक यू वंदना जी, थैंक यू हर्ष सिंह जी। 2500 रुपए की है, 2500, 2500 रुपए। और इसका डिजाइन नंबर है 6341 6341, आप ऐप पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 6341। आइटम का सिर्फ ये बताइए पीस कैसा लग रहा है। और इसका ब्लाउज प्लेन आएगा, देखिए ब्लाउज ये प्लेन आएगा तब ये इसकी कॉस्टिंग आ रही है 2500 रुपए। तो आपको एक मैं रहेगी कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसके बाद एक गाउन दिखाऊंगा, एक बार ये पहले ये देखिए भैया पास में जी प्लीज, ये भी अप अप्रूव्ड है, नहीं है ये नहीं है शायद, ये नहीं है। रोज नए डिजाइन आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए बस। और ये साड़ी पहले साड़ी खोल के दिखाऊंगा फिर इसके प्राइस बताऊंगा। ये देखिए ऐसे देखिए, अब साड़ी कैसी लग रही है बताइए, डार्क कलर में, सिर्फ 1625 रुपए, 1625, 1625 रुपए की ये साड़ी। हाँ साड़ियों में सीओडी है। थैंक यू हर्ष सिंह जी, अर्चू जी, थैंक यू सोनम जी। बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो बेटा, थोड़ा सा पास आ जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मैं इससे तेज नहीं बोल पाऊंगा, दर्द हो जाएगा। 1625, 1625 रुपए। वहां से आप भी बोलते रहो एक बार, तो आवाज जैसे पहले बोल लेते हैं ना तो वो आवाज चली जाएगी। 1625 रुपए की साड़ी है वाली, सिमर शिफॉन के ऊपर। ये इसका ब्लाउज, इसका प्लेन ब्लाउज है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखिए क्रॉप टॉप दिखा रहा हूँ बीच में, एक जॉर्जेट के ऊपर ओनियन कलर, जॉर्जेट के ऊपर है। फ्लेयर देखिए, फ्लेयर कितनी अच्छी। और ये इसका ब्लाउज, ब्लाउज देखिए, ब्लाउज भी कितना अच्छा। और अंदर मार्जिन दिया हुआ है 42 तक, तो बड़े आराम से ओपन हो जाएगा, 42 कम साइज नहीं होता, ये 42 अच्छा तक जाएगा। और ये इसका दुपट्टा, ये इसका प्लेन दुपट्टा, ठीक है। इसके प्राइस जो है आप व्हाट्सएप पे ही पूछिएगा प्लीज, यहाँ पे मत पूछिए। बहुत आइटम्स अपनी फैक्ट्री लगाने के बाद बहुत फायदा होता है, बहुत सारी आइटम स्पेशल। आ जाओ बच्चा, आप आ जाओ। एक और बनारसी सिल्क में साड़ी,
नीचे मीना जी अब बनारसी सिल्क में रेड की कुछ कम रेट की आइटम लेके आओ शालू से। ये देखिए ये करवा चौथ के लिए भी परचेज करवा चौथ स्पेशल करवा चौथ के लिए। थैंक यू हर्जी। नहीं पाकिस्तान में डिलीवरी मुश्किल है और ये इसके प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और ब्लाउज इसका ये देखिए पल्ला पूरा हैवी पल्ला इसका पूरा हैवी पल्ला। फिनिशिंग खराब हो जाएगी इसलिए नहीं खोल रहा हूँ। खोल लो एक पीस खोल लो सारे वाला। चलो एक पीस खोल देता हूँ मैं सारे पीस नहीं खोलूंगा। ये देखिए थोड़ा बॉर्डर नीचे की साइड बहुत प्यारा पीस फिनिशिंग बहुत प्यारी। और प्राइस कितने सिर्फ 2700 रुपए। 2700 केवल 2700 रुपए की साड़ी वाली सिर्फ 2700 रुपए। ये मेरे ऊपर इतनी अच्छी लग रही है कोई लेडीज को तो इतनी अच्छी लगेगी। एक सेकंड बेटा आप अपने ऊपर डालोगे ऐसे नहीं ऐसे ही ऐसे कर लो। ये देखिए तो कितनी अच्छी लगती है साड़ी को इस तरह आएगी। ये देखिए ये ड्रेप साड़ी में डिजाइन बनाया है पूरा का पूरा सल्ली कटदाने का ये डिजाइन बनाया हुआ और इस तरीके से लटकन आगे। मैं सबको आंसर नहीं कर पा रहा हूं इसके लिए सॉरी सबको आंसर नहीं कर पा रहा हूं। रिचा जी आप फर्स्ट टाइम जरूर वॉच कर रही हैं लेकिन मोस्ट वेलकम। मैं दिल्ली से हूं दिल्ली में मेरी शॉप है आरती साड़ी के नाम से। थैंक यू ज्योति जी। आरती साड़ी के नाम से नई सड़क पे शॉप है और गांधीनगर शॉप है फैशन इंडिया के नाम से। गांधीनगर भी है और वहां पे और हमारी फैक्ट्री भी है जिसको यदि अपना भी बनवाना है क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी तो हम बना सकते हैं बल्क क्वांटिटी में। इसका डिजाइन नंबर है 9342। इस डिजाइन का डिजाइन नंबर इस डिजाइन का नंबर है 9342। इस डिजाइन का नंबर है आप वहाँ पे ऐप पे चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। ऐप पे चेक करेंगे तो इसके आपको दो कलर मिल जाएंगे और दो कलर और भी है इसमें जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बट आप एक चेक करो यहाँ पे एक डिजाइन और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए बनारसी का ये उसका प्लेन ब्लाउज आएगा। ब्लाउज भी फुल स्लीव्स के बनाने के लिए ये सबसे हमने दिया हुआ है फुल स्लीव्स का ब्लाउज बन सकता है। ये इसका ब्लाउज एक और बनारसी का। और ये देखिए पल्ला कितना खूबसूरत ये कुछ इस तरह लुक आ जाएगी। ये लुक ऐसी आएगी करवा चौथ के लिए दिखा रहा हूँ काजल जी। ये भी करवा चौथ के लिए परचेज कर सकते हैं। करवा चौथ में ये भी परचेज कर सकते हैं। ये नीला रंग नहीं है पर्पल कलर है और पर्पल कलर नीले में नहीं आता तो इसको ऐसा नहीं होता कि हाँ नहीं चलेगा अच्छा चलता है। उस तरह की चीजें आज की डेट में वी शुड हैव टू चेंज विद द टाइम तो हम लोगों को टाइम के संग चेंज भी होना चाहिए। बाकी मैं आपको रेड के संग ग्रीन भी दिखा दूंगा। अभी और भी बहुत तरह की आइटम्स इतनी है कि मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आइटम्स आपको दिखाने की। बस वो दे दो मुझे आप जाइए भैया। प्यारी साड़ी लवली ब्यूटीफुल छोड़ नहीं सकते आप। साड़ी कैसी लगी सिर्फ ये बता दीजिए आप। सर पीला में साड़ी दिखाइए रेडी टू वियर पीले में साड़ी रेडी टू वियर। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू मीनू जी। राधे राधे श्वेता जी। दोनों काम करना एक्चुअली के साथ। ये देखिए वीडियो अब पीस बताइए कैसा लग रहा है। पीले में कौन सा डिजाइन देना मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे संडे की पीस कैसा लगा ये बता दीजिए बस मुझे। और इसके प्राइस भी बता देता हूँ 2475 2475 2475 की साड़ी है वाली 2475 सिर्फ 2475। ऑडियो चार्जेस अलग से होंगे जीएसटी इंक्लूड है इसमें। और मेरी शॉप पे आते हैं तो 2475 की ही मिल जाएगी 2475 रुपए की ये साड़ी। पीस कैसा लगा सर कुछ बता दीजिए प्लीज। एक और आइटम आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए 16 दिखा दो बताना ये देखिए। अभी हमने बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाई है स्टोन वर्क की साड़ी। इसके बाद कविता जी स्टोन वर्क की ही साड़ी दिखाऊंगा मैं आपको सबसे पहले। ये देखिए सीक्वेंस ब्लाउज के साथ पीस कैसा लगा आपके दो शब्द चाहिए। तारीफ करने में कंजूसी सी कर रहे हैं आप लोग।
आपका भाई, आपका जो भाई है वो आपसे कह रहा है यार बता दो कैसी लगी, अपने आप कह दो। भाई मैं तो ऐसे ही कहता हूँ ठीक है, मांग के ले लो जी तारीफ, हम तो उसमें से हैं जो फंस जाते हैं। ये देखिए ये बहुत प्यारी साड़ी, ये ऐसे पल्ला आएगा इसका, ये पल्ले पे ऐसे आएगी और नीचे ड्रेप करके आएगी साड़ी, बहुत अच्छी लुक आती है। ये देखिए ये ऐप पे अपलोड भी है, इसका नंबर क्या था शायद है नहीं 9387 बताया था भाई, नंबर भूल गया, कोई बात नहीं चलिए बाद में देख लेंगे। ये भी ऐप पे अपलोड है, आगे से ना डिजाइन नंबर लिखो, मतलब इसमें ना डिजाइन नंबर के सब पे वो लगवा दो। ठीक है ओके बता दो 3475 3475 डिजाइन नंबर है 3475 3475। इसमें आप सर्च करेंगे तो इसमें और भी कलर्स मिल जाएंगे ऐप पर, DR 3475 इसमें और भी कलर्स मिल जाएंगे आपको ऐप पे आप सर्च करेंगे तो। जिमी चू पे दिखाऊंगा, ये भी अपलोड भी नहीं हुआ, अपलोड है अभी अभी बन के आया माल, भैया कह रहे हैं अपलोड भी कर दिया उन्होंने, इतनी फुर्तीली फुर्ती से, बहुत फुर्तीले हैं भैया ये तो। ये हमारे रोहित भैया अपलोड यही करते हैं, बीच में इनकी की आवाज आती है, आज जरा कम बोल रहे हैं, मैं नहीं हूँ इसलिए, मैं हूँ इसलिए, जब मैं नहीं होता फिर बोलते हैं ये बताते हैं बीच में, उस समय सोनू भैया हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखिए ये नया माल बन के आता है ना तो नए माल की पहचान ही होती है, वो हाथों हाथों बन के आया तो चिपकता है थोड़ा सा, और एक दो बार खोलने के बाद इसका डिजाइन नंबर है DH 1010। देखिए डिजाइन नंबर भी बड़ा प्यारा निकला इसका, 1010 दोनों दो बूटे पल्ले पे, जब पहन के इस तरीके से पहनी जाती है साड़ी, अच्छी लग रही है कुछ पे ये लोग कोई इस तरह आई कुछ ये यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो हंस रही हैं, कहने के आप भी अच्छी लग रही है मुझ पे, फिर साड़ी पहनना शुरू कर दो। बच्चे ऐसे असर होते हैं वो कर देते हैं, अरे साड़ी बेच रहे हैं इसमें सेल्स, इसमें क्या बात हो गई। उधर से वो हमारे जो अकाउंटेंट भैया शिवम भैया वो भी असर है, डिजाइन नंबर 1010 अभी नया आया है तो आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे पीस जो रखो खुला रखो, पहले से एक बार खुला हुआ हो तो वो पीस रखे, एक डिजाइन ये और आ जाओ बेटा। जिमी चू पे कपड़े का नाम है, इसको अदरवाइज मत दीजिएगा जिमी चू। अब इसके ऊपर जो गेटअप है जो शाइनिंग है वो अलग है, बहुत महंगा कपड़ा है, फैब्रिक ही इसका कॉस्टली होता है, ये देखिए, और कटदाने का काम पूरे में छड़ियों वाला, बहुत अच्छा गेटअप, ग्रेस अच्छी, कलर्स भी डिफरेंट, डस्टी कलर, ग्रेस और लुक ही अलग है। 13 कपड़े के संग फैब्रिक के संग, और पीछे पूरे में पट्टा पेस्टिंग किया हुआ हमने, पट्टा पेस्ट किया हुआ है तो बॉर्डर से बॉर्डर गिरता नहीं है, खराब नहीं होता साड़ी, लुक अच्छी आती है। ये देखिए आप बताइए लुक कैसी आ रही है, सब में कलर्स मिलेंगे हर्ष जी, सब में कलर मिलेंगे, रेडी टू वेयर साड़ी की पीपी प्राइस भी बता रहा हूँ, कुछ स्टिच साड़ी है सर, बहुत सारी स्टिच साड़ियां हैं। ये देखिए बच्ची एक और पहन के आई है, बेटा यहाँ से सही करिए ऊपर से फ्रंट से, हाँ शाबाश, बस बस बस, ये देखिए, और इसमें क्या है नीचे, इसे हम टेम्पल स्टाइल में बोलते हैं, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है टेम्पल स्टाइल में, और इस फैब्रिक की जो पुराने हैं उनको सबको पता है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ, साड़ी साइड में डालते हैं, और ये इसका ब्लाउज था, हैवी ब्लाउज, गला भी बना हुआ है सब कुछ। ये देखिए जो नए वीवर्स है सिर्फ उनको बता रहा हूँ, पुराणों को पता है, इसको जितना मर्जी मोस लो जितना मर्जी कर लो, लेखरा पे एक ही खास बात है कि आपको थोड़ी देर ऐसा रहेगा फिर बाद में एज इट इज हो जाता है, प्रेस की जरूरत नहीं होती, यदि हम इसे जॉर्जेट पे और किसी पे बना देंगे तो उसपे स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको प्रेस कैसे करेंगे, उसमें प्रेस चाहिए चाहिए इंडियन फैब्रिक में। इम्पोर्टेड फैब्रिक की खास बात ये होती है, देखिए काटा हुआ है कैंची से लेकिन धागा नहीं निकल रहा, धागा नहीं निकल रहा कैंची से, मतलब कटर होते हैं वहां पे तो बड़े बड़े कटर से काटा जाता है लेकिन धागा नहीं निकलता इम्पोर्टेड फैब्रिक में, और इंडियन फैब्रिक में क्या होता है धागा निकल जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेड पे ही। इसका डिजाइन नंबर है DR 3295 डिजाइन नंबर है DR 3295 जी
3295 डिजाइन नंबर है इसका। आप ऐप से बुक कर दीजिए, दोबारा जब स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। एक और रेड स्पेशल 10 बेटा काफी है। इसके बाद एक पीस ये और एक पीस, एक दो पीस और दिखा रहा हूँ, बाकी सोनू भैया आपको दिखाते रहेंगे कल, और मैं तो नेक्स्ट मंडे ही मिलूंगा क्योंकि फैक्ट्री बहुत जरूरी है। बाकी के 6 दिन मैं फैक्ट्री में मिलता हूँ या गांधीनगर वाली शॉप पे मिलता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री और गांधीनगर दोनों पास पास में है फैक्ट्री। इसी हिसाब से लगाइए, देखिए करवा चौथ स्पेशल उल्टी है सर, नहीं सही है। ये इस तरह और इसमें खास बात दिखा रहा हूँ मैं अब आपको, खास चीज पाटली में इस तरीके से इसमें बूटे हैं बड़े, लहंगे स्टाइल में बूटा, लहंगे स्टाइल मतलब समझ लीजिए इसको, पाटली में बूटे आएंगे, लेकिन नॉर्मल साड़ी है और बहुत बढ़िया रेंज वाइज आइटम है ये, सिर्फ और सिर्फ 2550 रूपए, 2550 रूपीज ओनली की ये साड़ी है 2550 रूपए की। और इसका ये प्लेन ब्लाउज आएगा क्योंकि साड़ी अपने आप में बहुत ब्लाउज है। प्लेन आएगा, वीविंग में देखिए इसमें भी बूटी बनी हुई है, पास से देखेंगे तो बिल्कुल पास से देखेंगे पता चल जाएगा, वीविंग में बूटी बनी हुई है। 2550 रूपए, 2550 की साड़ी वाली। हाँ जी, और एक पीस और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो दिखा दो, और एक अपना वो ग्राउंड तो दिखा दो, ये वाला कोटी स्टाइल है, तो मैं इतनी कोटी स्टाइल में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये देखिए पीस कैसा लगा ये बता दीजिए आप मुझे, रेशम रोड़ी के साथ देखिए अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, पीस अच्छा लग रहा है। तो 1875 रूपए, 1875 1875 की साड़ी है, सिमर शिफॉन पे, सिमर शिफॉन पे। और ये इसका ब्लाउज हो गया, इसका ब्लाउज है, ब्लाउज से भी पूरा वर्क है, पूरा बना हुआ है। और मैं अब आप ये देखिए क्रॉप टॉप, कोटी स्टाइल क्रॉप टॉप, इस तरह से आएगा, और बस अब आज का टॉपिक बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं उन सब के लिए थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है कि इंटर्न्स भी बहुत सारी आती हैं जो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर रही हैं, तो वो भी आती हैं लड़कियां फैक्ट्री में, उन्हें पता होता है जो प्रोडक्शन देखना होता है, तो वो सब लोग आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं बच्चों को सबको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि बच्चों के फर्स्ट टर्म के करीब करीब सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, पास में आ रहे हैं, उनसे कहूंगा जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए, बहुत बढ़िया रहेगा आप यदि पढ़ के अच्छे नंबर ले आएंगे। आज हमारा देश भी आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, बाहर के लोगों से ज्यादा पढ़ रहे हैं ज्यादातर। मैं सबसे कहूंगा पढ़ो, और मैथ पे स्पेशली ध्यान दो, मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, मुझे तो सबसे इजी जो सब्जेक्ट लगता था 6-7 जो भी 6 सब्जेक्ट होते थे सबसे इजी मैथ लगता था, लेकिन मेरे ऊपर मत जाओ, मैथ वास्तव में आसान होता है, 2 × 2 = 4 होते हैं, वो सब जगह 4 ही होते हैं, पहाड़ पे चले जाओ तो भी 4, और नीचे चले जाओ जमीन के अंदर तो भी 2 × 2 = 4, किसी भी कंट्री में चले जाओ वहां पे 2 × 2 = 4 ही होंगे, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री अलग अलग हो जाएगी हर की, हर देश की ज्योग्राफी अलग अलग हो जाएगी, सिविक्स अलग अलग हो जाएगी, ऑलमोस्ट साइंस करीब करीब सेम रहती है, लेकिन वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो भी चेंज हो जाते हैं, वहाँ के लॉ जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे हर कंट्री के हिसाब से, बिजनेस भी अलग अलग हो जाते हैं, तो सबसे बेस्ट क्या हुआ मैथ, तो मैथ पे सब बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और बहुत ईजी होती है मैथ, सिर्फ फार्मूले लगाने आने चाहिए। यही कहना चाहूंगा कि बाद में अपने माँ बाप को सोचना कि हमें
उनको आगे लेके जाना है, अपने परिवार को, परिवार को आगे लेके जाना है, देश को आगे, समाज को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है। तो कैसे होगा, जब आप पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो अच्छा काम करेंगे, तभी पॉसिबल है। नहीं तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास निफ्ट की लड़कियां आई थी, आई एम वेरी सरप्राइज कि वो महीने डेढ़ महीने के लिए मेरे पास आई और सिर्फ टाइम पास किया। सरप्राइज भी हुआ, मैं ये भी कह रहा था कि क्यों आप अपने माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से खाना, बहुत मेहनत होती है, और क्यों वो सीट खराब कर रहे हो, किसी जिस बच्चों को जरूरत है उसको मिल जाएगी। तो कम से कम ऐसा तो करिए कि सीट भी खराब मत करो उनको, करने दो। सिर्फ एक डिग्री लेके क्या हुआ कि आपको एक डिग्री मिल जाएगी, दैट इज वेस्ट। डिग्री में आपको कितने अच्छे नंबर आ जाएं, नकल करके, टीप के, कुछ वैसे ही करके, सेटिंग करके आपको अच्छे मार्क्स मिल भी गए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे वो था ना, कौन सी पिक्चर थी, 3 इडियट्स में उनका सर्टिफिकेट मिल गया उसको। तो सर्टिफिकेट से क्या होना है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हुआ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, जो आपको नॉलेज है वही काम आनी है। सिर्फ सब बच्चों से मैं यही कहूंगा, हो सकता है नंबर बहुत अच्छे ना है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ना, मेहनत करी हुई है ना, दूसरा कैसे आगे निकला डजंट मैटर, लेकिन आपने किया हुआ है। जब लाइफ में दौड़ने की बारी आएगी, प्रैक्टिकल, सब जने 24, 25, 26 के बाद सब प्रैक्टिकल भाग रहे होते हैं, तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आप सबसे आगे, आप रेस में आगे निकल जाओगे, जो नकल करके आगे गए थे वो पीछे रह जाएंगे। बस यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, धन्यवाद।